हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर यानी कि SI कैसे बने। दोस्तों ये स्टेट लेवल पे भी वैकेंसी आती हैं, इसके जैसे UPSI की वैकेंसी आती है आपका, और Bihar SI की वैकेंसी आती है, Chhattisgarh SI की वैकेंसी आती है, Delhi SI की वैकेंसी आती है, और आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे CPO के थ्रू वैकेंसी आती है, इसमें भी आपको SI यानी कि दरोगा बनने का मौका मिलता है। अभी CPO का फॉर्म आया है, जो भी लोग भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के लिए। तो सबसे पहले बात आती है सैलरी की, सैलरी क्या होती है। दोस्तों सैलरी 30,000 सैलरी होती है टोटल मिला के, और जो भी अदर चार्ज मिलते हैं जैसे नाइट ड्यूटी होता है, नाइट चार्ज होता है, नाइट ड्यूटी का चार्ज होता है, और कुल एक्स्ट्रा मतलब जो भी रूम का चार्ज, खाने पीने का जो एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है उसको जोड़ के आपको अदर, उसको इंक्लूड नहीं किया है इसमें, टोटल सैलरी 30,000 होती है, और अदर मिला दिया जाए तो वही 30,000 से 35,000 के बीच में टोटल सैलरी इंक्लूड होती है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की। ठीक है, अब देखते हैं आप अगर जो प्रमोशन से बनते हैं दरोगा कैसे। प्रमोशन क्या होता है, पहले हेड कॉन्स्टेबल से आपका SI में प्रमोशन होगा, फिर SI से आपका दरोगा में प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल से SI यानी मतलब सब इंस्पेक्टर से दरोगा में। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ होता है। अगर जो आप चाहते हैं कि आप प्रमोशन में क्या चांसेस है, मतलब SI बनने के बाद क्या प्रमोशन कैसे हो सकता है, तो SI बनने के बाद दो तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है दोस्तों। एक इंटरनल एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अगर जो इंटरनल एग्जाम देते हैं अंदर ही अंदर तो आप इंस्पेक्टर डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा मेथड है, वो तो आप जानते होंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि मतलब आप जॉब करते करते 15 साल 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो उसके बाद एक प्रमोशन होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंटरनल एग्जाम देखे SI में, अगर जो आप एक बार SI में हो गए जॉब के SI में, UPSI में, मान लो ये UPSI का एग्ज़ाम दिया, आप उसको क्लियर कर ले और SI हो गए, तो उसमें अगर जो इंटरनल एग्जाम निकलता है इंस्पेक्टर के लिए, तो आप उससे क्वालिफाई करके डायरेक्ट प्रमोशन लेके इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो तो आप जानते होंगे। अब देखते हैं क्या चीज़ें, क्या पैटर्न होती है SI का। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, पहले रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो भी मेडिकल होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, आपका पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न। अब देखते हैं हाइट क्या होता है। तो हाइट की बात करें तो हाइट 172 मेल के लिए और 170 फीमेल के लिए, दोस्तों ये एवरेज है। ठीक है, हर स्टेट का इसमें अलग अलग होता है, और यूपी की बात करें तो यूपी में मैं बता देता हूँ यूपी में क्या होता है। यूपी में जो जनरल OBC SC का जो एज होता है, सॉरी हाइट होता है, वो 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, और वहीं जनरल OBC SC की बात करें फीमेल के लिए, SI के लिए 152 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जो रेस होता है यूपी की बात करें तो मेल 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, वहीं फीमेल की बात करें 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रेस निकालना रहता है यूपी SI के लिए। ठीक है, यूपी की बात हो रही है ये, और ये आपका जो एवरेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ें होती हैं। तो सिलेबस की बात करें, आप सिलेबस जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम को और आप जानना है आपको UPSI कैसे बने, तो उसमें क्या चीज़ें होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कितनी सैलरी मिलती है, रिटर्न कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। अब बात आती है सिलेबस क्या होता है, क्या चीज़ें पढ़ें हमको एग्ज़ाम निकालने के लिए, UPSI, Bihar SI, जो भी SI का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, जनरल हिंदी UPSI की मैं बता देता हूँ, और टोटल सिलेबस यही होता है, लेकिन UPSI का जो पैटर्न होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जनरल हिंदी के पोर्शन आते हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और GK आते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, और मेंटल एप्टीट्यूड के टेस्ट और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन GK के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के 40 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों टोटल 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है UPSI के लिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे हर सेट में आपको 20-50% मार्क लाना अनिवार्य है, मतलब 40 क्वेश्चन है तो 20 आपको क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था हर सेट में, मतलब आपको टोटल जनरल हिंदी का 40 क्वेश्चन होता तो उसमें 20 में पास होना जरूरी है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन GK में 40 में 20 पास होना, मतलब सारे पोर्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, वो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया 20 नंबर,
मतलब 20 क्वेश्चन है, अगर जो 20 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, तो 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। तो दोस्तों ये था UPSI का टोटल, UPSI और SI जो भी हर स्टेट के SI का, तो कैसे SI अब बन सकते हैं और क्या चीज़ होती है, कैसे प्रमोशंस होते हैं और SI से प्रमोशन के थ्रू आप डायरेक्ट कहाँ पे क्या बन सकते हैं और सैलरी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपके वीडियो पसंद आया और लगा कि आपको ये भी वीडियो नॉलेजबल है और आपको अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो और देखते रहे एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।